Hey guys, welcome to our channel L for Success. Today we will discuss about category of e-commerce, which is basically four types of e-commerce. So first one is B2C model, B2B, C2B and C2C, business to consumer, business to business, consumers to business and consumer to consumer. So we will discuss today B2C मोड. इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है वो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर परचेज करता है, विच कंज्यूमर वांट, किसी भी वेबसाइट के थ्रू. सो ये ऑर्डर प्लेस करता है, ये सेल करता है एंड दैट इज प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग ऑर्डर. सो दिस इज द बेसिक मॉडल ऑफ बी टू सी, इज बिजनेस टू कंज्यूमर. मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो से कोई भी प्रोडक्ट को या कोई भी ऑर्डर को सेल करता है कंज्यूमर को, और कंज्यूमर ऑर्डर करता है वेबसाइट के थ्रू, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रोसेसिंग ऑर्डर होती है, यहीं पर पेमेंट का पेमेंट भी की जाती है ऑनलाइन ऑफलाइन. सो बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या करते हैं हम, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल करता है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज टू कंज्यूमर ओवर द इंटरनेट. सो कस्टमर जो होता है, जो भी कंज्यूमर होता है, वो कहीं से भी इसको ब्राउज करता है, और कोई जो प्रोडक्ट वो जो भी सर्विसेज वो चाहता है एनी टाइम एनी हाउ वो उसको प्लेस कर देता है. सो जो बी टू सी मॉडल में क्या होता है, जो सेलर सेल द प्रोडक्ट करता है, वो कोई भी सर्विसेज होती है डायरेक्टली कस्टमर उसको बाय करता है, और जो बायर्स होते हैं वो इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं, जो कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं बी टू सी रिप्रेजेंटेशन इंडिविजुअली बाइंग ऑनलाइन. सो जो इसके क्राइटेरिया फैक्टर्स होते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या सेल करते हैं, इसमें जो डेटाबेस मार्केटिंग होती है, जो कस्टमर इंटीमेसी होती है, जो ग्लोबल रीच होती है वो हाईली रिलायबल होती है. मीन्स इसमें डिलीवरी सपोर्ट का ऑप्शंस भी है, वैल्यू एडेड सर्विसेज भी है. सो बी टू सी जो होता है, इन एडिशन टू ऑनलाइन रिटेलिंग इंक्लूड सर्विसेज सच एज ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रैवल सर्विसेज, जो भी इसके अंदर जितने भी ऑनलाइन ऑप्शंस वगैरह होते हैं, सब के सब ये सीखिए बी टू सी मॉडल के अंदर आते हैं. सो जो ये बी टू सी मॉडल होता है, ये एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू कंज्यूमर्स ओवर द इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज बी टू सी मॉडल इन ई कॉमर्स. लाइक इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, इसमें आते हैं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आती है, लाइक amazon.com, formate.com. जो अमेज़ॉन होता है ये बेसिकली सर्वर प्रोवाइड करता है ऑफ एनी कस्टमर्स या एनी ऑर्गेनाइजेशंस, ये प्रोडक्ट को भी सेल करता है इन बल्क. सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन डैट सेल्स ऑल द प्रोडक्ट ऑल द गुड्स टू कंज्यूमर. सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ बी टू सी मॉडल. सो वी कैन
hold this processing order and the server Amazon and product in bulk जो भी order को वो place करता है. अब हम बात करते हैं customer to business model में क्या होता है. इसका means C2B. इसमें क्या होता है कि जो business organizations होते हैं वो कंज्यूमर से अब डिमांड करते हैं बीच में जो भी प्रोसेसिंग होती है मींस B2C में जो था उसमें क्या था कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कंज्यूमर को सेल करता था. इसमें क्या जो कस्ट कंज्यूमर है वो बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन को अपना ऑर्डर या अपना प्रोडक्ट सेल करेगा. यहीं पे प्रोसेसिंग पेमेंट होती है ऑर्डर प्लेस करे जाते हैं. सो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि यहाँ पर उल्टा होता है. सो जो भी कस्टमर होता है इसमें इन्वॉल्व होता है जो भी इसकी प्राइसिंग होती है यहाँ रिवर्स हो जाती है. तो मीन्स रिवर्स ऑप्शंस यहाँ पर होता है. सो जो भी बायर्स होते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो भी कंपनीज होती हैं वो इसमें अपनी भी जो भी कस्टमर अपने कस्टमर अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रखता है उस पर कंपनीज जो होती है बिड लगाती है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. सो दिस इज द रिवर्स मॉडल ऑफ B2C बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल. इसमें क्या होता है लार्ज ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल जो होते हैं वो इस ऑक्शंस में पार्ट लेते हैं टू परचेज दिस प्रोडक्ट. जो भी कस्टमर जो भी कंज्यूमर उसको बेचने के लिए या सेल करने के लिए रखता है. फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है सर्वे scouts.com. इसमें क्या होता है कि जो भी साइट्स हैं वो क्या करती है इसमें जो भी पेज पीपल होते हैं उसको रिस्पॉन्ड टू सर्वे एंड नो द कस्टमर विच दे वांट. सो ये कंपनी जो होती है ये उनका सर्वे करवाती है. तो जो भी कंपनी जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन है ये सर्वे कंज्यूमर करता है ये अपने डेटा को कंपनीज को देती है कि कौन सा बंदा कौन सा जो पर्सन है वो कौन सा यूज़र जो क्या चाहता है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर इन ई कॉमर्स फील्ड. सो दिस इज़ द B2C मॉडल जिसमें कंज्यूमर क्या करता है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रोडक्ट सेल और बाय करता है. अब हम बात करते हैं कस्टमर टू कस्टमर मॉडल क्या होता है C2C. इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी कंज्यूमर होता है किसी भी वेबसाइट के थ्रू कंज्यूमर को कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर देता है. दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ C2C मॉडल. इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी कस्टमर होता है वो ट्रांजेक्शन्स होती है उसकी ट्रांजेक्शन्स बिटवीन एमंग कंज्यूमर्स टू कंज्यूमर्स डायरेक्टली नो थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व इन इट. मीन्स इट इज़ द लार्जेस्ट
online trading community, like which is using the eBay community and OLX. This is the consumer where they want to get directly any goods or purchase or sell anything to consumer to consumer. So example of this eBay, OLX, this is the example of C2C model. Is in there no any auction sites if has something to sell, so you can directly contact to the consumer to buy any product or sell any product beside the C2C model. So thank you for watching this video, hope you like it. Thank you.